हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो वीडियो आज अभी जो ये डाल रही हूँ मैं, ये दिसंबर 2013 सॉल्ट पेपर थर्ड पेपर है ये। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले कि सारे पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हरिकथा इज़ अ स्ट्रैटेजिकली यूज एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस राइजिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ राजा राव की कंतपुरा, जिसको 1938 में पब्लिश हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर टू, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट विच ऑफर द फिक्शनलाइज्ड सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम्स टू 1928। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वर्जीनिया वुल्फ ऑरलैंडो। वर्जीनिया वुल्फ ऑरलैंडो अ बायोग्राफी 1928 ऑफर फिक्शनलाइज्ड सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम्स टू 1928। इट इज़ वन ऑफ द Wolf most popular satirical novel which describe the adventures of poet who changed sex from men to women and live for centuries meeting the key historical figure in one time of life. Then question number three is the match the कॉलम है ये, और यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ दूसरा, और फिर आपको इसको मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जॉन रस्किन इज़ द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट 1860, देन हेनरी मेहूज लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर 1851, सर चार्ल्स लेवल लेएल इज़ द ऑथर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, दैन सर जेम्स जॉर्ज एंड फ्रेजर्स ऑथर्ड द गोल्डन बाउ। सो क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज नॉट बिगिन इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज कीट्स लैमिया। अदरवाइज जो शैली का एडोनिस है वो बिगिन होता है आई वीप फॉर एडोनिस, He is dead. Then Byron का जो डॉन जुआ है वो डेडिकेशन बिगिन होता है बॉब सूदे यू आर अ पोएट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रेस। कोलरिज का द एपोलियन हार्प एओलियन हार्प बिगिन होता है माई पेंसिव सारा दाई सॉफ्ट चीक रिक्लाइंड दस ऑन माई आर्म्स। और जो कीट्स की लैमिया है वो बिगिन होती है अपॉन अ टाइम बिफोर द फेयरी ब्रूड, ठीक है। सो अपॉन इज नॉट अ प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इन हिज एनाटॉमी ऑफ मेलंकली रॉबर्ट ब्रिटन प्रपोजेज द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज लव मेलंकली एंड रिलीजियस मेलंकली। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, लिस्टेड बिलो द फॉलोइंग इंग्लिश जर्नल्स वाइडली रीड बाई प्रोफेशनल्स, स्क्रीन, क्रिटिकल क्वार्टरली रिव्यू ऑफ इंग्लिश वॉस फ्री। One of the above founded by C.B. Cox and now being edited by Colin McCabe carry not only critical and scholarly essay in English study but review film culture, language and contemporary political issue, identify the journal। आपको इसको जर्नल समझना है कि किस जर्नल के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्रिटिकल क्वार्टरली ये जो है जर्नल फाउंड हुआ था 1958 में सी बी कॉक्स एंड ए ई डायसन के थ्रू। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, इन मार्वल्स अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी हु विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लास्ट वर्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बॉडी। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट, इन ब्लेक्स पोएम अ पॉइजन ट्री अ स्पीकर एंगर ग्रोज एंड बिकम, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एन एप्पल। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, एजर्शन है क्या, देखते हैं। फॉर डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हाउ ह्यूमन बींग्स रीड एंड इंटरप्रेट साइन दे रिसीव विल डिटरमाइन देयर मोड्स ऑफ नोइंग एंड बींग वेदर दो साइन कम इन द फॉर्म ऑफ लिटररी टेक्स्ट और बैंक स्टेटमेंट। देन आर इज द फैक्ट ऑफ, मतलब रीज़न है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ह्यूमन बींग्स यूज साइन टू फंक्शन इन द वर्ल्ड एंड आर ऑलवेज लाइकली टू डू सो। ओके, सो इसमें क्या है, कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। रीज़न इज करेक्टली एक्सप्लेन द एजर्शन द एबव स्टेटमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग भी सही है, और जो रीज़न है वो एजर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर टेन, इयान मैक इवन
सैटरडे स्पैन वन डे इन द लाइफ ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अ लंडन न्यूरोसर्जन. सो इयान मैकइवन, सैटरडे स्पैन वन डे इन द लाइफ ऑफ द लंडन न्यूरोसर्जन. फिर क्वेश्चन नंबर 11, ओपन फॉर्म एज अप्लाइड टू पोएट्री इज द सेम एज इट डैश, इट इज पोएट्री दैट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फिक्स्ड पैटर्न. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज फ्री वर्स. सो ओपन वर्स इज एज अप्लाइड टू द पोएट्री इज द सेम एज फ्री वर्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर ऑफ द बुक ऑब्जर्व्स, आई हैव अटेम्प्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ बायोग्राफी टू प्रेजेंट सम विक्टोरियन विजन टू मॉडर्न आई. द फोर मेन कैरेक्टर इन दिस बुक आर कार्डिनल मैनिंग, Florence Nightingale, Dr. Arnold, General Grodon, who is this author? So, iska correct option hai C, that is Lytton Strachey. Then question number 13, in his attack delivered on the theater, in a short view of the immortality and profaneness of the English stage, Jeremy Collier specially arranged डैश एंड डैश. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज कॉनग्रीव एंड वनबर्ग. सो इन हिज शॉर्ट व्यू ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज 1698, जर्मी कॉलियर स्पेशली अरेंज्ड या अक्यूज्ड और अक्यूज्ड कॉनग्रीव एंड वनबर्ग अपार्ट फ्रॉम वेशरले, ड्राइडन एंड डी अर्फ्री. Then question number 14, I.A. Richards' Practical Criticism 1929 inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book's subtitle? Iska correct option hai B, that is A Study in Literary Judgment. Question number 15, which of the following arrangement is in the correct chronological sequence? So sequence dekh lete hain. 1764, H. Walpole, A Castle of Otranto, Otranto. Then 1794, Anna Radcliffe, Mysteries of Udolpho. Then 1796, M.G. Lewis, The Monk. 1820, C. Maurtin's Melmoth, The Wanderer. Question number 16, who select from among the following play the one that best suits the descriptive below? ठीक है, ये पूरा description है. The Eliqui Padmasi invited its author to write it. The play had communalism as its theme. This play was banned from the Deccan Herald Theatre Festival for dealing with a sensitive issue. The play, however, was produced by Play Pen in Bangalore on July 1993. ये किस play के बारे में बात कर रहे हैं? इसका correct option है C, Final Solution. और इसको लिखा था महेश दत्तानी ने. क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव नोन थ्री जनरेशन ऑफ जॉन स्मिथ. द टाइप ब्रीड्स ट्रू. जॉन स्मिथ टू एंड थर्ड वेंट टू द सेम स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड लर्नड प्रोफेशन एज जॉन स्मिथ. आई येट जॉन स्मिथ आई रोट स्यूडो स्विनबर्न. जॉन स्मिथ टू रोट स्यूडो ब्रूक. John Smith III is now writing pseudo Eliot. But unless John Smith can write John Smith, however unfashionable the result, why does he bother to write at all? Surely one Swinburne, one Brooke and one Eliot are enough in any age. Robert Graves, the poet and his public. अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है बी, क्योंकि बाकी सब करेक्ट है और ये जो बी है वो इनकरेक्ट है. ओके, सो इसमें हमको ये सब कुछ ये ऑप्शन फोर जो है इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी जो है इससे रिलेटेड है. तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं. ग्रेव इज अ क्रिटिकल ऑफ ब्लाइंड एडल्टेशन of imitation of the successful poet. Grave is critical of blind conformity to standards set by Swinburne, Brooke and Eliot, and Swinburne, Brooke and Eliot represent the movement. Question number 18, Georgian movements associated the Robert Brooke and Stoppard Brooke. Okay,
नॉट स्टॉपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट रूपर्ट ब्रूक इज एसोसिएटेड विद जॉर्जियन मूवमेंट. ये थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा द ब्रिटिश यूज्ड टू कॉल द इंडियन लैंग्वेज वर्नैकुलर. वी डू नॉट यूज दिस वर्ड फॉर आवर बैशाज भा सॉरी वी डू नॉट यूज दिस वर्ड फॉर आवर भाषाज बिकॉज. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज वी डू नॉट कॉल आवर भाषा वर्नैकुलर, मतलब भाषा मतलब लैंग्वेज, बिकॉज वर्ना लिटररी मीन्स अ होम बॉर्न स्लेव एंड वी नेवर स्लेव्स ऑफ एनी वन. आवर पाली एंड संस्कृत प्रीडेट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज. ठीक है, सो भाषा के लिए हम वर्नैकुलर नहीं यूज करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 19, मोर्स इथियोपिया डिस्प्लेज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. मोर्स इथियोपिया डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस पे मोर्स इथियोपिया डिस्प्लेज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएशन ऑफ प्लेटो रिपब्लिक एंड अमरीगो वेस्पुकीज अकाउंट ऑफ ट्रेवल. क्वेश्चन नंबर 20, By language transfer is meant. Language transfer से क्या समझते हो? Language transfer means a carry over, the carry over of the rule of mother tongue, syntax, phonology or semantic system to the second language in question. Question number 21, which of the following description is not true of Peter Craze, the true history of Kelly Gang? इसका correct option है D, that is the novel is dedicated to Edward Cayley's father. Peter's Cray, A True History of the Kelly Gang, won Booker Prize in 2001. It is the fiction historical novel based on Ned Kelly's story. It is not dedicated to Edward Cayley's father. Question number 22, identify the poem that opened with the line, I walked through a long schoolroom questioning, a kind old nun in white hood replies. The children learn to cipher and to sing. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अमंग द स्कूल चिल्ड्रन. डब्ल्यू बी इट्स की पोएम है जो इसके साथ ओपन होती है, इस लाइन के साथ. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फूकॉल्ड पोजिशन इन हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअलिटी. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉट ट्रू, रेस्ट इज ट्रू, सो इट इज़ नॉट ट्रू तो वही पूछा है, तो सी जो है ट्रू देख लेते हैं. नॉट ट्रू क्यों देखें? मॉडर्न सेक्शुअलिटी इज प्रोड्यूस थ्रू एंड एज डिस्कोर्स. दूसरा, द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न डिस्कोर्स ऑफ सेक्शुअलिटी इज मोर स्ट्राइकिंग देन देयर सप्रेशन. एंड डी, मॉडर्न सेक्शुअलिटी इज इंटीमेटली इंटेंगल्ड विद द हिस्टोरिकली डिस्टिंक्टिव कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर नोन नाउ कॉल्ड नॉलेज. Question number 24, the following is an exchange between two characters, husband and wife, in famous play. The lines appear at the very end of the emotionally charged sequence of the last scene. I have stopped believing in miracle, but I will believe, tell me. Transform ourselves to the point that our living together could be true, could be a true marriage. She goes down the hall. Which play is, which play, name the character. Iska correct option is C, A Doll's House, Helma Nora. Question number 25, which of the following statement related to the early history of English language identify the set that give incorrect statement. ठीक है, तो इस पूरे statement में से आपको incorrect statement निकालना है. So iska correct option है B, statement 3 and 5. तो देख लेते हैं क्या है 3 एंड 5 स्टेटमेंट. इन ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश इज़ मच मोर हाईली इन्फ्लेक्टेड देन ओल्ड इंग्लिश. और 5 है, फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच वर्चुअली रिप्लेस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. मॉडर्न इंग्लिश इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लेक्शन फाउंड इन ओल्ड इंग्लिश. एंड स्टेटमेंट 5 इज़ रॉन्ग बिकॉज आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अप्रॉक्स 200 ईयर फ्रेंच वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बट एंग्लो सेक्शन वॉज द language of the people. Question number 26, choice of the linguistic form in using of language or how a language is actually spoken and written, especially one that differ from the prescribed grammar is called. Iska correct option hai C, that is uses. Then Jamaican
किन्सियड नैरेटिव अ स्मॉल प्लेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है इन हर स्मॉल प्लेस 1988, जमाइका किन्सियड एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑफ टूरिज्म एंड फॉरेन इंटरवेंशन इन पोस्ट कॉलोनियल एंटीगुआ. क्वेश्चन नंबर 28, आपको करेक्ट मैच देना है. मैच देख लेते हैं. करेक्टली मैच पेयर है निजाम इज़िकल हाइम्स इन डार्कनेस 1976, कमला दास द सायरन्स 1964, आर पार्थ सारथी रफ पैसेज 1977, आर के रामानुजन द स्ट्राइडर्स 1966. 29 क्वेश्चन, द विलियम वर्ड्सवर्थ हैड डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी. अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोयम बाई वर्ड्सवर्थ वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विच इज दैट पोयम. किसके पोयम, किस पोयम के बारे में ऐसा हार्डी ने बोला है. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी द लीच गैदरर. वर्ड्सवर्थ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन 1805 इन पोयम इन पोयम्स इन टू वॉल्यूम वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1802 अंडर द टाइटल द लीच गैदरर विच लेटर had a deep influence on Thomas Hardy. Question number 30. In Henry James Ambassadors, there is a character who never appear in the novel. We get to know about this significant person, however, from other characters. Who is this character? Iska correct option hai C, Mrs. Newsome. Then question number 31. Why are Scott's novel called Waverley's novel? Waverley novel. Iska correct option hai D. William Scott began his novel writing career in his 43rd year with Waverley, 1814, the first of long series of novels that bore the title by the author of Waverley, hence it is called. Then question number 32, which of these description statement best suits the idea of Renaissance man? Iska correct option hai D. स्टेटमेंट नंबर 2 and 4. सो 2 and 4 देख लेते हैं. अ नियर मिथिकल फिगर अ नाइट कोर्टियर म्यूजिशियन पोएट स्कॉलर एंड स्टेटमेंट समवन लाइक फिलिप सिडनी बेस्ट सूट द आइडियल ऑफ द रेनेसा मैन. क्वेश्चन नंबर 33. मैक्सिम गॉर्की द ग्रेट रशियन राइटर ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा वॉज इन रियल लाइफ अ मैन कॉल्ड. इसका करेक्ट आंसर है एलेक्सी पिशकोव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34. आफ्टर द प्रिडिक्शन ऑफ द ओरेकल दैट ही वॉज डेस्टिंड टू किल हिज फादर ऑडिपस कुड हैव अवॉइड पार्टीसाइड. ठीक है. इसका करेक्ट ऑप्शन है कोड कॉम्बिनेशन है डी डी दैट इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. क्या है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ देखिए. Had been a man of unusual self-control. Had he remember a prediction and had he been more cautious, having recognized that possibly after all Polybos was not his father, and had he never struck any man who was older than himself, saying at a moment of provocation, this insolvent man is grey-haired, let him have the road. So, ye correct combination hai D ka 2, 3rd and 4. Oedipus had determined never to return to to his assumed parents, and so he left their city Corinth, and on the way to Thebes, he accidentally killed his real father and then unknowingly murdered his real stepmother. ठीक है. सो फर्स्ट वॉज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 35. आइडेंटिफाई पोस्ट अपार्थिड नॉवल बाई नडीन गॉर्डिमर. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द हाउस गन. देन क्वेश्चन नंबर 36. द डचेस ऑफ माल्फी मैरिड हर स्टूअर्ट एंटोनियो. फॉर एलिजाबेथन ऑडियंस हर मैरिज वॉज अ ट्रिपल ऑफेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. मतलब कि ऊपर का जो 3 है वो सही है, डी जो है वो गलत है. शी वॉज अ विडो मैरिंग अ सेकेंड टाइम. शी मैरिड ऑन हर ओन आउटसाइड द चर्च एंड शी मैरिड बीनीथ हर स्टेटस दिस डिसरिगार्ड ऑफ डिग्री. तो ये जो 3 था इस वजह से बोला जाता है कि ट्रिपल ऑफेंस था.
Then question number 37, who among the following has written the essay The Indian Jugglers? Iska correct option hai B, William Hazlitt. Ye publish hua tha inke collection Table Talk mein. Then question number 38, how would you best describe George Meredith Modern Love 1862? Iska correct option hai D, sonnet sequence hai. Question number 39, the play was written in 1881 when its author was in Italy. This is considered to be his most remarkable intellectual effort. The softening of the brain as a result of a disease inherited from his father is the subject. Which is the play? Play bataiye, guess kariye kaun sa hai. Iska correct option hai B, Ghosts, jisko Henrik Ibsen ne likha tha 1881 mein. Question number 40. In many ways, grammatical categories remain mysterious. What does it mean to speak a language that in every sentence requires you to locate yourself in time or specify your source of knowledge or the shape of what you are talking about? We still don't know, but putting the question like this suggests a clear and limited way of interpreting the idea that different languages represent different world. Which of the following statement of this passage interpret its most accurately? आपको बताना है कौन सा interpret कर रहा है. इसका correct option है B. The passage concedes that Speyer-Whorf hypothesis cannot be discounted entirely. So इनकी जो hypothesis थी Edward Speyer और B.L.Whorf hypothesized that structure of language determine or greatly influence the mode of thought and behavior characteristics of the culture in which it is spoken. The passage concedes that their hypothesis cannot be discounted entirely. Question number 41. Tolstoy, War and Peace carry a lengthy discussion of determinism and free will in. Question number 41 ka correct option hai D, its epilogue. Question number 42, which from among the following is not true of Nag Mandal? So iska correct option hai matlab A, kyunki A in sab mein se correct nahi hai iske liye. To correct kya hai wo dekh lete hain. It is open ended, theek hai. It combines conventional and subversive mood and story is personified in play. गिरीश कर्नाड की का वर्क है नागमंडल. देन क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द लिटरेरी जर्नल क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकली देखते हैं. 1709 द टैटलर जर्नल बिगेन बाय रिचर्ड स्टील. 1732 लंडन मैगजीन सब्सिक्वेंटली रीलॉन्च्ड एट इंटरवल. 1809 क्वार्टरली रिव्यू पीरियोडिकल वॉज फाउंडेड बाई जॉन मुरे. इन 1817 Blackwood magazine was founded by William Blackwood. 1855 Saturday Review weekly London newspaper was established by A.J.B. Bradsford Hope. Question number 44, pick out two relevant and correct description of Carlyle Churchill's serious monkey. Iska correct option hai option C. Two correct description hai iska. Pehla, in this play the state of the British economy is symbolized by took over bid by an international cartel and monkey is the only criteria of success for the players in this play's share market. Question number 45, identify from among the following false statement. अब इसमें फॉल्स एट स्टेटमेंट हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑल एट स्टेटमेंट गिवन आर ट्रू, हेंस ऑप्शन डी. तो अब इसको देखिए क्या क्या है. एरिक आर्थर ब्लेयर बिकम अ फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल. ऑरवेल वॉज कन्वर्जेंट इन हिंदुस्तानी एंड फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड. यंग एरिक ब्लेयर लिव्ड इन म्यांमार ट्रेडिंग टाउन काथा. This town gave him a model for the fictional district Kayuktada in Burmese days. Kayuktada. Orwell was born on 25th June 1903 in Motihari, Bihar.
ऑरवेल कमोमरेटिव कम्युनिटी इन मोतिहारी हैज़ बिन डिमांडिंग अ रेस्टोरेशन ऑफ ऑरवेल बर्थ प्लेस एज अ हेरिटेज साइट. ऑरवेल नेवर रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस. द ब्रिटिश जनरल इन जैक was mainly responsible for our knowledge of Orwell's antecedents relating to Katha and Motihari. Question number 46. Virginia Woolf borrowed the idea of common reader from Dr. Johnson. To which particular work of Dr. Johnson does she remain indebted? Iska correct option hai B. The lives of the most eminent English poet, the Essay on Gray. Question number 47. J.M. Coetzee was the first writer to be awarded the Booker Prize twice. He won the prize for. Iska correct option hai A. The Life and Times of Michael Kay. And dusra jo work tha uska, jiske liye inko Man Booker Prize mila hai, matlab Booker Prize mila hai, wo hai Disgrace. Question number 48. After the Norman conquest, England became three language nation for at least two centuries. The three languages were. Iska correct option hai C. English, French and Latin. Question number 49. Reasoning and assertion hai. So assertion dekhte hain. In who's afraid of Virginia Woolf, George and Martha's blue and green eyed son is myth. And reason kya hai? He is a creation of the couple's imagination originating from their sense of sterility and vacuum in life. So iska correct option hai A. Reason bhi correct hai, assertion bhi correct hai, aur रीज़न जो है assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 50. इन द वर्ड रैपिडली ly इज adverbially suffix इंडिकेटिंग द मैनर while rapid इज अ डैश ly इज अ डैश. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. फ्री मॉर्फीम बाउंड मॉर्फीम. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 जो है वो एक पोयम के ऊपर बेस्ड है और वहाँ ये पोयम आप पढ़ोगे उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इसको करने का तो मुझे नहीं कोई समझ में आ रहा है क्योंकि दीज आर नॉट द क्वेश्चन जो कि आपको रिपीट करके पूछेगा. बट फिर भी आप एक बार उसको, मैं स्क्रीन रोल ऑन कर दे रही हूँ ऊपर की तरफ, और फिर आप उसको पॉज करके पढ़ के फिर इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा. दीज आर द क्वेश्चंस. फिर आपको ये तो पूरा पढ़ के ही आपको पता चलेगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56. नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. डॉक्टर जॉनसन हैड दिस टू से अबाउट वन ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवल. किसके बारे में बोला है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज ट्रिस्टम शैंडी. डॉक्टर जॉनसन इन 1776 सेड दिस फॉर स्टर्न्स द लाइफ ऑफ द ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी दैट नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग. ट्रिस्टम शैंडी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 57. आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन दिस सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. नन फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम. इसको हैज़ अ सोनेट एज इट्स सब्जेक्ट, दैट इज टू से इट इज सोनेट अपॉन सोनेट. क्वेश्चन नंबर 58. हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर हैज़ रिटन नॉवल येलो पेपर. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्टीव स्मिथ. Question number 59. In most people, the first language dialect acquired is mother tongue. Among the commonly used term for mother tongue, one of the following is avoided. Identify the one term not applied to mother tongue. आपको वो पकड़ना होगा, शब्द पहचानना होगा जो मदर टंग के लिए अप्लाइड नहीं होता है. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज प्राइम लैंग्वेज. Question number 60. Identify the group of critical concepts that parenthetically align them with their respective theorist. So, ये पूरा दिया हुआ है. अब इसका correct option जो pair है वो देखते हैं. Habitus, Pierre Bourdieu, Flaneur, Walter Benjamin, Cora, Julia Kristeva, Simulacrum, जीन बॉडीलार्ड, द सब अल्टरन, गायत्री सी सिपवक, मेटा हिस्ट्री, हेडन वाइट, पॉलीफनी,
माइकल बखार्टन, हेजीमनी, एंटोनियो ग्रेमासिंग. 61. व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ द स्टेशनर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन इन 1557. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. द मैंडेट ऑफ द स्टेशनर्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन इन 1557 वाज टू ओवरसी द राइट ऑफ ऑथर्स एंड प्रिंटर्स और प्रिंटर्स पब्लिशर. 62. वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज पोयम इंक्लूडिंग हिस्ट्री. आइडेंटिफाई द पोयम. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एज़रा पाउंड द कैंटोज. क्वेश्चन नंबर 63. ये अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकली, तो वो देख लेते हैं डायरेक्ट इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है. यूनिवर्सिटी विट लेट 16th सेंचुरी, मेटाफिजिकल 17th सेंचुरी, ट्रांजिशनल पोएट मिड 18th सेंचुरी, द एथीस्ट लेटर 19th सेंचुरी, द जॉर्जियंस अर्ली 20th सेंचुरी, द हाई मॉडर्निस्ट लेट 1950 एंड 60 सेंचुरी. अरे हाँ, देन क्वेश्चन 64. विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड इन अ वर्स डिविजन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द जिनेवा बाइबल. द फर्स्ट इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट टू हैव बोथ चैप्टर एंड वर्स डिविजन वॉज जिनेवा बाइबल इन 1560. रॉबर्ट स्टीन वॉज द फर्स्ट नंबर विद द वर्स विद इन द चैप्टर विद इन ईच चैप्टर इन वर्नैकुलर एडिशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट इन 1955. 65. ई एम फ्रॉस्टर्स पैसेज ऑफ इंडिया बिगिन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी ऑफ चंद्रोपोर इन इट हैज ओल्ड इंडियन पार्ट एंड अ न्यू पार्ट कंसिस्ट अ ब्रिटिश सिविल स्टेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन of the city is not found in the text. Iska correct option hai D. The new civil station is not sensibly planned and not modern. So D option jo hai wo wrong hai, statement hai. Aur earlier jo upar wala hai sab sahi hai. 66. In which of the following book would you find the following argument and observation? Escapist fiction lacks serious fictions. Apocalyptic experience and of finality, the two version of literary experience and qualitative different. Every novel fit one category or the other, not both. Serious fiction, however, compels our attention by representing improvement as being achieved and by showing narrative movement through the time of an end we must sense even if we cannot know it. So iska correct option hai B, the sense of the ending study in the theory of fiction. The above extract of fiction criticism is found in Frank Kermode's 1967 work The Sense of an Ending, Studies in the Theory of Fiction. Then 67. Philip Larkin's The Whitson Wedding. इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन कोड क्या है? बी. फिलिप लार्किन्स द विट्सन वेडिंग्स 1964 डिस्क्राइब अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी एंड एस्टैब्लिश वी वॉइस ऑफ कलेक्टिव आउटलुक. 68 जो है वो मैच है, तो मैच दी कॉलम देख लेते हैं क्या है करेक्ट पेयर. एंड वी आर हियर, ये डोवर्स बीच का है, 1867 में मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा था. दस दो वी कैनॉट मेक आवर सन टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस बाई एंड्रयू मार्वल. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन. दिस वन लास्ट गिफ्ट आई गिव दैट आफ्टर मैन शैल आई नो, द ग्रेट लवर बाई रूपर्ट ब्रूक. 69. The Oxford Companion are handy reference volume for teachers and students of English. Identify one more volume that has not yet appeared in this series. So, iska correct option hai D, Oxford Companion to Indian Literature in English has not yet appeared. Rest jo hai American, Canadian and
20th सेंचुरी लिटरेचर सब कुछ आ चुका है, बस इंडियन लिटरेचर नहीं आया है अभी तक. क्वेश्चन नंबर 70, व्हाइल राइटिंग और प्रिंटिंग स्कॉलरली यूज प्रिफर टाइटल इन इटैलिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस टेल ऑफ टू सिटीज. क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक ये पैसेज है, उसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना है. तो पैसेज मैं उसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप पॉज कर लें और फिर आप उसको देख लें और उसके बाद जो आंसर है आप उसको पढ़ के आप दे दें, क्योंकि फिर इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. सो क्योंकि ये तो जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट इस तरीके के तो नहीं होंगे, तो इसको इतना लंबा डिस्कस करके फिर टाइम वेस्ट होगा. सो बेटर है कि आप इसको खुद से देख लें एंड देन कर लें. सो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये यही मैं ख़त्म करती हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो की के आने तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.